मैं ऋचा गुप्ता, वेलकम टू घर का मैजिक। आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा वेजिटेबल ढोकला। रवा वेजिटेबल ढोकला बनाने के लिए मैंने कुछ हेल्दी वेजिटेबल यूज़ किए हैं, जैसे कैरेट, टोमेटोस, कैप्सिकम और साथ में दही। और उसके साथ में मैं बनाऊंगी डाइजेशन के लिए मूंगफली, रोस्टर की हुई मूंगफली, हरी नारियल, अदरक की चटनी दही के साथ, जो बहुत टेस्टी तैयार होगी। आजकल लोग वेट को लेके भी थोड़ा कॉन्शियस हैं, बीपी की समस्या है, डायबिटीज़ है, तो मैंने इसमें सेंधा नमक यूज़ किया है। और वैसे भी स्टीम के द्वारा पकाऊंगी तो ये नेचुरली हल्का ये ढोकला तैयार होगा। इसे सभी बहुत इजली से खा सकते हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल ढोकला। वेजिटेबल रवा ढोकला बनाने के लिए एक कप रवा लिया है, कटी हुई महीन टुकड़ों में एक क्रश की हुई गाजर है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, धनिया की पत्ती, नमक, थोड़ा सा चीनी, खाने वाला सोडा और दही का मट्ठा यानी छाछ। अब मैं बनाने जा रही हूँ रवा वेजिटेबल ढोकला। ये रवा लिया, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये गाजर है, कैरेट, ये शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई टमाटो, टमाटर, इसको अच्छे से मिला लूंगी। ये दही का मट्ठा यानी छाछ ले रखा है। रवा को इसी से मुझे मथना है, फेंटना है। अगर ये आपको मट्ठा थोड़ा कम लग रहा है तो मट्ठा मैं थोड़ा और डालूंगी। अब ये चीनी डाल रही हूँ, चीनी आधा चम्मच डालना है। ये खाने वाला सोडा, मीठा सोडा कहते हैं इसे, ये आधा चम्मच डालना है मीठा सोडा। सोडा और चीनी डाल के इसे मुझे रखना नहीं है, तुरंत बनाना है। ये देखिए, ये घोल तैयार हो गया है। अब इसे 2 मिनट के लिए रखूंगी। गैस ऑन कर रही हूँ। ये मैंने कढ़ाई रखा, कढ़ाई में ये एक स्टैंड डाल दे रही हूँ। डालने के बाद मुझे 1 ग्लास पानी डालना है। ये जो स्टैंड के नीचे पानी हूँ, ये देखिए पानी हमने इतना डाला है जो स्टैंड के नीचे हो। अब एक मैं कोई भी बर्तन लूंगी, उसमें अच्छी तरीके से कोई भी घी या ऑयल लगाऊंगी। ये वेजिटेबल रवा ढोकला बहुत अच्छा और टेस्टी तैयार होगा। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको ग्रेस कर लिया है। ये चीनी, नमक और जो मीठा सोडा डाला था उसको मुझे ज़्यादा देर नहीं रखना है, केवल 2 मिनट मैंने रखा था। अब ये 2 मिनट हो गया है। अब मैं इसे घी लगे बर्तन में मैं इसे डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी बर्तन हो, मैंने एक छोटी थाली ली है जो कढ़ाई के अंदर इजली से आ जाए। अब इसे, ये कढ़ाई में पानी डाला था, इस पानी के अंदर ये थाली मैं इस तरह रखूंगी। देखिए, मैं थाली को इस तरह रख रही हूँ। अब इसे 10 मिनट के लिए मुझे एक ऊपर से बड़े बर्तन से, जो ये पूरी को कवर करता हुआ ढक जाए, ये मैंने ढक दिया इसको। अब ये 10 मिनट तक
होगा। 10 मिनट बाद इसे खोल के चेक करूँगी। तब तक मैं यहाँ पे ये नारियल की चटनी बना रही हूँ। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने ये दिए रोस्टर की हुई मूँगफली के दाने, हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े और ये नारियल लिया है। और इसमें नमक, काला नमक, जीरा डाल के दही के साथ पीसने जा रही हूँ। ये 10 मिनट हो गया है। 10 मिनट बाद इसे मैं खोल के चेक करूँगी। चेक करने के लिए मैं ये चाकू ऐसे डाल के देखूँगी। ये देखिए, इसमें चाकू में बिल्कुल नहीं लगा है। अगर नहीं तैयार होता है तो चाकू में ये लग जाता है। देखिए बिल्कुल, ये अभी तैयार हो गया है। मैं गैस ऑफ करने जा रही हूँ। गैस ऑफ कर दिया। मैं इसे 5 मिनट के लिए ठंडा करूँगी, तब मैं इसकी कटिंग। ये हमारा 3-4 मिनट ये ठंडा हो गया है। ये देखिए बिल्कुल इजली से ये बराबर हो रहा है। मैं एक छोटा सा ये ग्लास लूँगी, छोटी सी ग्लास। आपके पास कोई कटोरी हो, कुछ भी किसी तरह का सर्कल हो, आप ले सकते हैं। मैं ये ढोकला गोल काटने वाली हूँ। ये मैं गोल काट रही हूँ, देखिए। ये बहुत इजली से निकल रहा है। ये रवा वेजिटेबल ढोकला बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये ग्लसिया से बिल्कुल गोल कट रहा है। ये मैंने गोल सर्कल में ये वेजिटेबल ढोकला काट लिया था। बाकी ये जितने बचे हैं इसको मैं छोटे छोटे पीस में ये कट कर ले रही हूँ। ये देखिए छोटे छोटे पीस में मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं तड़के के लिए 2 चम्मच घी 2 चम्मच घी डाल रहा है। इसमें मैंने कड़ी पत्ता, हींग, गैस ऑफ कर दे रही हूँ, राई मिर्च, मुझे मिर्च ज़्यादा नहीं यूज करना क्योंकि मेरी चटनी जो दही की जो चटनी बनी है उसमें मिर्च ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो चटपटी चटनी बनी हुई है। अब ये तड़के को मैं ये इस पर लगाऊंगी थोड़ा सा। मूंगफली, रोस्टर की भी मूंगफली, हरी नारियल, नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक, अदरक, हरी मिर्च और ये देखिए दही के साथ नारियल की चटनी भी तैयार हो गई है। थोड़ा सा तड़का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब ये बाकी बचे तड़के को मैं गैस फिर से ऑन कर रही हूँ। बाकी बचे जो तड़के हैं इसमें ये कटी हुई एक्स्ट्रा जो वेजिटेबल ढोकला का जो पीसेस बचे हुए थे कट पीस में, मैं इसमें ये बचे हुए गाजर, टोमेटो, ये शिमला मिर्च, थोड़ा धनिया की पत्ती, थोड़ा सा चाट नमक, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा काला नमक, ये रवा वेजिटेबल ढोकला के जो बचे हुए पीस थे उससे एक अच्छा सा उपमा तैयार हो गया है। इसे आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये तो आपका ढोकला तैयार है। इसे सर्व बाउल में निकालने जा रही हूँ।
ये रवा वेजिटेबल ढोकला तैयार है। साथ में बचे हुए पीसेस से मैंने उपमा तैयार किया है और नारियल मूंगफली दही के साथ चटनी हो तो मज़ा ही कुछ और है। ये ढोकला देखिए कितना स्पंजी और सॉफ्ट तैयार हुआ है। ये देखिए कितना स्पंजी और सॉफ्ट तैयार हुआ है। अगर ये ढोकला आपको बच्चों को पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।